So basically, all these questions were asked in CAT 2022 exam slot 1. And kindly watch till end. We have so many shortcuts and tricks. Let's start, guys. So in this question, we have let A be the largest positive integer that divides all these numbers form 3 raised to k plus 4 raised to k plus 5 raised to k, and B be the largest positive integer that divides all the number form 4 raised to k plus 3 into 4 raised to k plus 4 raised to k plus 2, where k is any positive integer. Then a plus b equals to, this is the question, ठीक है? So if you want to find the largest positive integer that divide this form, basically you want to find all those numbers, those are in the form of this, ठीक है? तो 3 raised to k plus 4 raised to k plus 5 raised to k के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, बेसिकली आप वही फाइंड करना चाहते हो, यानी कि आप फाइंड करना चाहते हो इनके HCF, ठीक है? तो पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर होते किस टाइप के हैं। तो अगर आपके पास के का वैल्यू, के चूंकि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो के का वैल्यू आप पुट करो। अगर के का वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलता है, ये मिलेगा 3 + 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 12। अगर आप k का वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे तो ये मिलेगा 9, ये 16 और ये 5 का स्क्वायर 25, इनका सम आने वाला है 50। और अगर आप k का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125, और इनके सम मिलने वाले हैं 216। तो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर यानी कि आपको मिलने वाला है HCF, कितना HCF मिलने वाला है 2, राइट? अब चूंकि 2 ही इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि ए का वैल्यू है 2। दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, क्लियर एवरीवन? नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड द बी, क्योंकि बी वैसे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है जो इस फॉर्म में है। तो ये फॉर्म क्या दे रखा है, 4 raise to k प्लस 3 into 4 raise to k प्लस 4 into k plus 2। अगर सब में से मैं कॉमन ले लूँ 4 raise to k, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 और यहाँ बचने वाला है 4 का स्क्वायर, राइट एवरीवन? ये 16 + 4 = 20, 20 × 4 raise to k के फॉर्म में आपका नंबर है। तो k का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, k का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होगा, ठीक है? k के अलावा ऐसा नहीं है कि 1 ही सिर्फ लेंगे, आप k के अलावा 2 भी ले सकते हो, लेकिन इन सब में जो कॉमन डिवाइजर होगा सबके लिए वो होगा सिर्फ 4 k का वैल्यू 1 पे, यानी कि 4 raise to 1। तो अगर आप k का वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपके पास b के जो वैल्यू आते हैं वो आएंगे 20 × 4, यानी कि 80, क्लियर है? तो b जो मिलेगा वो होगा डिवाइजर ऐसे नंबर्स का जो इस फॉर्म में है, क्लियर है एवरीवन? सो बेसिकली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 80, और इनके सम मिलने वाले हैं 80 + 2, दैट इज 82। दिस इज योर राइट आंसर एवरीवन।